وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد ثنا الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال خطبہ جمعت المبارک دا اے درس و تدریس دا سلسلہ انو قبول و منظور فرمائے. میرا ناچیز ادنا جے طالب علم دا بیان کرنا جناب دا سماعت فرمانا اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے. بڑے عظیم لوگ کہ جنہاں نوں اللہ اپنا مہمان بنا لیندا ہے اسی تسی رب دے مہمان ہاں. اللہ اپنے مہماناں نوں کدی خالی نہیں موڑدا. میرے کول کدی کوئی مہمان آس امید رکھ کے آوے ہو سکتا ہے وہ چیز میرے کول دستیاب نہ ہوئے. کیوں جی؟ خالی جانا پوے تو اڈے کول کوئی آئیے اسی آئیے یا ہور کوئی مہمان آندا ہے ہو سکتا ہے وہی ڈیمانڈ پوری نہ ہو سکے. ٹھیک ہے؟ لیکن عرش والا ایسا میزبان ہے جہدے کول کسے قسم دی تھوڑی نہیں تے جڑیاں چیزاں دی سانو لوڑ ہے انہوں لوڑ بھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ ساڈے واسطے ہی اللہ نے سب کچھ. اللہ نے تو کسی چیز کی لوڑ نہیں. اللہ اکبر. اللہ اللہ سونا اپنی خاص مہربانی فرما دیا ہویا
साढ़े रोजे नमाजा सदकात खैरात जो नेक आमाल किते अल्लाह इन्हां नूं कबूल भी फरमावे ते नाल सानू हुण आमाल नूं संभालण दी तौफीक अता फरमावे। कई बंदे बेचारे ऐसे होंदे ने ईद आले दिन ही ईद आली रात ही सारा कोई रोड़ क्यों मारदे ने, क्यों जी? अल्लाह अकबर, सुनिया अल्लाह राजी हो जावे ना, अल्लाह बहानिया नाल राजी हुंदा बंदे नाल, बहाने ही लभदा है। ते बस एक वेरी जिंदगी दे अंदर बल्कि कोई 24 घंटिया दे अंदर भी ऐसा समा बनाया कर जदों अख चो आंसू निकल आए ना उस तो बाद फिर जनाब ने कोई गुनाह नहीं करना, फिर बुराई आले पासे नहीं जाना। समझ लो अल्लाह राजी है, जदों अख चो आंसू निकल आवे दिल साफ है मुतमिन है। अज नफसे मुतमिना दिल दा इतमनान, इतमनान वाले दिल वाला कौन है? सुबहान अल्लाह दा तर्जमा यह है नफसे मुतमिना। सुबहान अल्लाह, क्या शाना होन गियां जिन्हां नूं अल्लाह ने नफसे मुतमिना अता फरमाया। सुबहान अल्लाह, और अज सुनोगे अल्लाह की मेहरबानी दे नाल कि इतमनान वाला दिल कैसा है। सुबहान अल्लाह, अज दा उनवान ही बड़ा अनोखा जिहा है। अल्लाह ने फरमाया जी या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मनान वाली रूह, रूह है ना जड़ी इत्मनान वाली। सुभान अल्लाह, इत्मनान वाली रूह मुतमइन्ना है, और उदे बारे दे अंदर मैं अज बाबा जी अली मुहम्मद समसाम रहमतुल्लाह अलैह दी बात करां, उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज नाल आखिया है इत्मनान वाली रूह कहंदी की है, उदा तखय्युल बयान कीता है। बाबा जी कहंदे ने ये रूह की कहंदी है, इत्मनान वाली रूह कहंदी है सिबगा तल्ला वाले रंग विच रंगी हुई ते तौहीद वाले नाग दी मैं डंगी हुई सिबगा तल्ला 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 सिबगा सिबगा मैं ना रंग लफ्जे अल्लाह दवाना अल्लाह अल्लाह का रंग सिबगा तल्ला वाले यानी तौहीद दे रंग विच रंगी हुई नेक रूह कहंदी है नेक रूह पाकी जारू इतमनान वाली रूह नफ्से मुतमइना वाली रूह कहंदी की है सिबगा तल्ला वाले रंग विच रंगी हुई ते तौहीद वाले नाग दी मैं डंगी हुई एवें पीरो ते फकीरो मैनू घेरी ना फिरो खान कांखां ते मंदरां ते फेरी ना फिरो मैं तौहीद दे जंजीर नाल डंगी हुई सिबगा तल्ला वाले रंग विच रंगी हुई ते तौहीद वाले नाग दी मैं डंगी हुई कहंदी मैनू रब बिना कुछ चंगा लगदा नहीं तमा बागां दी नहीं ते खौफ आगदा नहीं मैं उलंघना है सारियां उलंघी हुई सिबगा तल्ला वाले रंग विच रंगी हुई ते तौहीद वाले नाग दी मैं डंगी हुई कमाला करतियां बाबा जी ने कई घंटिया दे वाज सिमट करके रह गए। बाबा जी कहंदे की ने कहंदे ने रूह की कहंदी है कहंदी ओ परा मुंह कर वड्डी बारी गद्दी वालिया मेरा साख पिरे पुछदा तू दिल का लिया मैं अलस्त वाले रोज दी ही मंगी हुई ते तौहीद वाले नाग दी मैं डंगी हुई हुण हुण कहंदी है कहंदी की है हुण मैं हुण हिलना मी चावा हिल सकती नहीं अरे गैरे न तू खैरे ताई तकदी नहीं
इको एक वाले रंग विच रंगी हुई आ ते तौहीद वाले नागदी में डंगी हुई आ सिबगा तल्ला 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 सिबगा तल्ला वाले रंग विच रंगी हुई आ ते तौहीद वाले नागदी में डंगी हुई आ। आखरी जुमला कहंदी हुण हिलना भी चावा हिल सकती नहीं। अगली बात हुण मैं गैर गल्ला कन्ना नाल सुन ना सका अखा उतां कारो होर चोण चुन ना सका। हर बंदे नूं जुमलियां दा बाबे जी दी पंजाबी दा भी पता नहीं लगदा, दौर बदल गया। चोण कहंदे ने चंगी चीज नूं ते चुनना इंतखाब करना। कहंदी मैं अल्लाह दी तौहीद और नबी दी रसालत दा इंतखाब कर लिया है। पाकीज़ा रूह कहंदी है ते हुण मैं होर किसे पासे नजरां दौड़ावां ते गल फबदी ते जुड़दी नहीं। तर्जमा आसान कहंदी हुण मैं गैर गल्लां कन्ना नाल सुन ना सका अखां उतां कर होर चोण चुन ना सका। मैं समसाम जिया मौलवियां तो संगी होई आं, मैं याकूब जिया कारियां तो संगी होई आं, ते तौहीद वाले नाग दी में डंगी होई आं, सिबगा तल्ला वाले रंग विच रंग ते तौहीद वाले नाग दी में डंगी होई आ। ए जे नफ्स मुतमैना सुभान अल्लाह दिल खुश हो जाए। एवें तेनी अल्लाह करीम ने फरमाया नफ्स मुतमैना दे बारे च आवाजा लग रही होन गियां जदों दुनिया तो जाएगा आवाज आ रही होगी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमैना ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي। इहदे बारे च होर भी मुकाम पढ़ांगा नाले पता चलेगा। इंज दे लोग कई कई ऐसे दुनिया तो जाण वाले थे अल्लाह ने उन्हां नूं सुना भी छड़िया, फरिश्तियां दियां आवाज़ां सुना भी दित्तियां। जिहड़े पढ़दे सन दुनिया तो जाण वाले बंदियां वास्ते दम रुखसत हो रहे ने, कहंदे सन या अय्यतु अन नफ्सुल मुतमईना ए नफ्स मुतमैना ए मुतमैन इत्मीनान वाली जान इत्मीनान वाली रूह निकल निकल राजी खुशी निकल हनी इत्मीनान नाल चल हनी इला रब्बी की राजियतन मर्जिया लौट चल इर्जिरी लौट चल 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 हुण वापस चली जा इला रब्बी की राजियतम मर्जिया राजी खुशी अपने रब वाल लौट करके जा। फदखुली फी इबादी साढ़े बंदियां विच दाखल हो जा और वदखुली जन्नती जन्नत विच दाखल हो जा। सुभान अल्लाह। काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने अपनी किताब लिखी है सूरह यूसुफ की तफसीर अंदर। कभी सूरह यूसुफ की तफसीर भी अगर तुसी आखो तो जौक लाओ तो इंशाल्लाह मैं कभी सुनावांगा। अल्लाह तफसीर तो बड़ी दूर की बात है, वह तो हुण बंदियां च हौसला नहीं रहा। अगे बंदे हौसले वाले सन। एक बारी मैं तफसीर सूरह यूसुफ एवें तालिब इल्मी तो फारग होया पहली मस्जिद अंदर मैं 7 साल उत्थे जुमा पढ़ाया अल्लाह की मेहरबानी नाल। जदों मेरी इब्तदा सी ते उत्थे मैं सूरह यूसुफ की तफसीर बयान की सी। 40 खुतबे तैयार किए मैं 40 खुतबे तफसीर सूरह यूसुफ तफसीर नहीं हुण वाकया बयान करांगे। और जनाब अल्लाह की मेहरबानी नाल ये वड्डी तक किन्ने के जुमे आने तकरीबन 10-12 जुमे आ जाएंगे। 10 जुमे तो आएंगे ना 10-11-12।
चलो 10-11-12 जुमे अज अपना सूरह यूसुफ ही शुरू कर दे। सूरह यूसुफ दा तफसीर नहीं बल्कि वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वाकया ही बयान होगा 10-12 खुतबे अज। लो जी अज ऐलान हो गया तो इंशाल्लाह चल सो चल फिर अल्लाह दी हुण किताबां जा के मैं सारियां, मैनू टाइम मिल गया कुछ जलसे हुण थोड़े जे है जी माड़ा जिहा विचों टाइम मिल जाएगा इंशाल्लाह जाके खोलना अल्लाह की मेहरबानी नाल इंशाल्लाह सारे दलायल कट्ठे करके अल्लाह की तौफीक नाल मैं इंशाल्लाह आज अगले जुमे अल्लाह की तौफीक नाल वाकया सूरह यूसुफ वाकया बयान करना, तफसीर नहीं बयान होगी, तफसीर बहुत लंबी है तो इस वास्ते इधर वेखना जरा। हाँ जी काजी मुहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने अपनी किताब लिखी है तफसीर सूरह यूसुफ दे अंदर अल जमाल वल कमाल इसम बा मुसम्मा उदे च जमाल भी मौजूद ने ते कमाल भी मौजूद ने। सूरह यूसुफ जिन्हें बयान करनी होवे और अल जमाल वल कमाल जिहदे कोले नहीं उहदे कोल कुछ भी नहीं, वो इस सूरत के बारे च सारिया किताबों तो बेनियाज कर देने वाली। ठीक है मुतालिया करते ने खतीब लोग बाकी किताबों का भी, लेकिन अल जमाल वल कमाल काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह दी क्या बात है, उन्हां दी किताब लाजवाब है, उन्हां दी सीरत नबी दी 3 जिल्दां के अंदर रहमत अलआलमीन इतनी लाजवाब किताब है जिस लाइब्रेरी चो किताब मौजूद नहीं लाइब्रेरी मुकम्मल नहीं होंगी। अल्लाह अकबर को अल्लाह ने उन्होंने बुझानत फतानत अता फरमाई सी सुभान अल्लाह क्या बात है। फरमाते ने जी कद शगा मुहब्बत गालब आ गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम दी मुहब्बत गालब आ गई। इस जुमले ते कद शगफा एदी तफसीर अंदर काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने यानी मोहब्बत दियां 3 किस्म बयान फरमाइया और नफ्स दियां भी 3 किस्म बयान फरमाइया और नाल फरमाया पहला नफ्स है जी एक नफ्स है अम्मारा, दूसरा नफ्स है लवामा, तीसरा नफ्स है मुतमईना जिदे ते अज यदना जे तालिब इलम गारी मुहम्मद याकूब फैसलाबादी बहस करेगा वो नफ्स मुतमईना होएगा। लेकिन इब्तदा अंदर पता तो चलना चाहिए कि नफ्स अम्मारा की है, नफ्स अम्मारा ओ है जड़ा तेनू बुराई ते उभारदा है। ईमान कमजोर हो ते बुराई ते जल्दी उभार के काम है यानी शैतान दी तरफों नफ्से अम्मारा बुराइयां दी तरफ उभारदा है के बंदा फराड करे वो नफ्से अम्मारा कहंदा यार केड़ी गल है यानी तौबा करेगा ते मुआफी मिल जाएगी अपने भरा दा हक खा ले यानी बुराई कर ले शराब पी ले जना ले पासे चला जा यानी बुराई दी तरफ आमादा करने वाला नफ्स नफ्से अम्मारा होया करता है। जिमें अल्लाह करीम ने कुरान मजीद अंदर दसिया है 13वें सिपारे दी पहली ऐती जनाब बनती है ना इधर वेखना जरा एवें तेनी अल्लाह दे पैगंबर हजरत यूसुफ अलैह सलाम ने फरमाया सी ना कि ये फरमाते ने नफसी मैं अपने नफ्स नु बरी जिम्मा करार नहीं देंदा नफ्स अम्मारा ते ओ नफ्स इन नफ्स ला अम्मारा तुम बिस्सू ते बुराई दी तरफ उभारदा ही उभारदा है ना इल्ला मा रहिमा रब्बी मगर जे दे ते मेरा अल्लाह रहम करे अल्लाह जिन्हों बचावे क्यों बुराई दी तरफ नफ्से अम्मारा ते उभारदा ही उभारदा है बुराई दी तरफ अमादा करदा ही करदा है ते बच कौन सकदा है बुराई तो इल्ला मा रहिमा रब्बी मगर जे देते मेरा अल्लाह रहम करे अल्लाह त
तरस खा जावे जिदे ते अल्लाह दी रहमत हो जाए वो बंदा बुराई तो बच सकता है। सुभान अल्लाह। कई कहंदे ने जी ये कलाम जेड़ा ना बोल जुलैखा दे ने। नहीं नहीं नहीं, जुलैखा ते सिद्धी होई नहीं, आखर तक आखर आखर ते जाके जेले आसा उम्मीदा खत्म हो गई, फिर जाके मनी के यूसुफ अलैहिस्सलाम ठीक सन ते मैं ही गलत सा। क्यों जी? फिर उन्हें इकबाले जुर्म किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। वही मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाके के अंदर ना वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं सारे पोल खोलांगा अल्लाह की मेहरबानी नाल, सारिया कुत्तियां सुलझांदे चले जावांगे। जेड़े कहंदे ने एहो ही जुलैखा सी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल शादी होई, फिर है जी फिर ये बच्चे भी होए। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत गलत अफसरा है, बहुत बुगालता लगे उन्होंने। इलमी तौर पर लोग कमजोर ने, हाँ जी इलमी तौर पर उन्होंने मुशाबा लगे, बुगालता लगे, वह सारा दसांगे। हुण मेरा जनाब मजमून सुनो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। है जी, कौन बच सकता है बुराई तो? नफ्से अम्मारा ते बुराई दी तरफ उभारदा ही उभारदा है, न बुराई दी तरफ मादा करदा ही करदा है ना। इल्ला मा रहिमा रब्बी, कुरान। मगर ओ बंदा बच सकता है जेदे ते अल्लाह दा रहम, यानी मेरा रब रहम करे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे अल्लाह दी रहमत नाल बचे, इस वास्ते कहंदे ने इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे ने इन्ना रब्बी غفور الرحيم, बेशक मेरा रब गफूर रहीम है, बख्शन वाला है। अगर कोई कोताही तो गलती हो भी जावे, अल्लाह बख्शन वाला है, फिर गफूर रहीम है। सोने अपने नफ्स दी, अपने जी दी, अपने अंदर दी हिफाजत कर, फिर वेखी अल्लाह दिया रहमत किवें नादिल हुंदियां ने। वड्डे वड्डे गुनाह सरजद हो गए ने ते अल्लाह ने मुआफ कर देने ने। सब तो बड़ा गुनाह केड़ा है दस सकते हो? सब तो वड्डा गुनाह शिरक। माशाल्लाह, इंज हाजर होके बैठना है। सब तो बड़ा गुनाह शिरक, ते शिरक जैसा गुनाह भी तौबा नाल मुआफ हो जाता है। सुने बाकी गुनाहों की हसीयत की है, वो भी मुआफ हो जाएंगे। इस वास्ते जनाब है जी ऐसे किस्म हो गई नफ्से अम्मारा दी। अंदर रब दे कुरान चो एक ऐत मैं जनाब न सुनाइए। दूसरी किस्म किस्म है नफ्से लवामा, यानी मलामत करने वाला नफ्स, यानी तेरे दिल विचो आवाज उठे हो कमले आ केड़ा काम करन लगे है, ऐ बुराई जड़ी। अल्लाह अकबर, गुनाह केड़ी चीज है? अल्लाह दे नबी ने फरमाया जेड़ी चीज तेरे दिल अंदर खटके ओ बुराई है, और जनाब फिर अंदरों तेरा दिल मलामत करे ओनू आख देने नफ्से लवामा। अल्लाह फरमा देने ला उकसिम बियौमिल क़यामा वला उकसिम बिन्नफ्सिल लवामा। फरमाया अल्लाह सोना, अल्लाह कहंदा है मैं कसम खाना कयामत वाले दिन दी, और मैं कसम खाना के जनाब नफ्से लवामा दी बुराई तो बचने दाए थे। नफ्से लवामा, अल्लाह अकबर, अल्लाह, नफ्से अम्मारा दी बुराई तो बचना है, नफ्से लवामा। ये भी तो खुशकिस्मत बंदा है जिन्हों अल्लाह नफ्से लवामा अता फरमा देवे। बुराई करन लगे ते अंदरों अंदरों तेनू झंझोड़े, तेरा जमीर तेनू मलामत करे, ऐ है नफ्से लवामा दा माना। तेरा जमीर तेनू झंझोड़ के मलामत करे ओ कमलिया, दुनिया है दुनिया ते फानी दुनिया है, कल नू तेरा साह निकल गया ते की करेगा, बगैर तौबा दे मर गया ते जहन्नम दा बालन बनेगा, हमेशा हमेशा जहन्नम दे अंदर है।
करेगा। अगर शिरक ना कीता होया सजावां ते मिलण गियां ना, जहन्नम अंदर जाएगा जरूर, सजावां भुगत भुगत करके पता नहीं किन्ने करोड़ा साल बाद जहन्नम चो निकालिया जाएगा अगर शिरक ना कीता होया। इस वास्ते अंदरों जमीर मलामत करता है, तेन जमीर जुंझेड़ता है, जमीर मलामत करता है, उन्हें कहते नफ्से लो आमा। और तीसरी किस्म नफ्से मुतमईना दिए जड़ी बया तो खुद बे अंदर पढ़िए। नफ्से मुतमईना दे बारे दे अंदर अर्श वाले ने कमाल दर्जे का बयान फरमाया है ना, फरमाया या अयतु अन नफ्सुल मुतमईना, इत्मनान वाली रूह नफ्से मुतमईना, ऐ दिल इत्मनान वाला जड़ी नफ्से मुतमईना है ओदे बारे जो कमोरे आए, इर्जिरी इला रब्बी की राजियतं मर्जिया, राधी खुशी अपने रब वाल चली जा। हनी फदखुली फी इबादी वदखुनी जन्नती, मेरे बंदियां दे अंदर दाखिल हो जा, जन्नत अंदर चली जा। और ऐसे तरीके नाल जनाब काजी सलमान ने मोहब्बत दियां में तीन किस्मां बयान फरमाइया ने, इत्थे वेख लो जरा गौर नाल गल सुन वाली है समझ आ जाएगी। एक मोहब्बत हो जड़ी मबनी बार लज्जत, लज्जत दे उत्ते कायम है, लज्जत ते मबनी, मबनी बार लज्जत पहली मोहब्बत, दूसरी मोहब्बत मबनी बार तमा यानी लालच वाली मोहब्बत, तीसरी मोहब्बत मबनी बार इखलास खलूस वाली मोहब्बत, खलूस वाली मोहब्बत जी अल्लाह की रजा वास्ते होंगी है। फरमाया जड़ी मोहब्बत मबनी बर लज्जत वो जल्द शुरू होंदी है ते जल्द ही ओदा इख्तिताम हो जाता है, पोल खुलदा है ना जल्द, देखो शुरू हुई मोहब्बत मबनी बर लज्जत जुलैखा दी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल, ते जदों राज खुलिया जदों फड़ी गई ते पैंतरा ही बदलिया, क्यों जी मोहब्बत खत्म ही नहीं हुई बल्कि दुश्मनी ते उतर आई, ऐसी लज्जत वाली मोहब्बत फौरन फौरन पैंतरा बदलिया। कुरान कहता है वावदतु उल्लती हुआ फी बैतिहा, वावदतु उल्लती हुआ फी बैतिहा अन नफसी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु वरगलांदी रही, उन्होंने बुराई आले पासे अमादा कर दी रही, जुलेखा अमादा कर दी रही, अपने वास्ते तैयार कर दी रही, अपना जहन बना दी रही। एक वक्त आ गया कोठियां चल जाके ताले बंद करके कहती है वाह, हाँ जी कुरान कहता है वाह गल्ला 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 तिल अब दरवाजे बंद कर दिए, और बंद दरवाजे करने के बाद अपने बुतां ते कपड़ा पा के कहती वक़ालत हैतलक वे यूसुफ मेरे वाल तक, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा दे ने मैं ते तकिया होया अपने रब वल, असी किधरे होर नहीं वेखते जेड़े रब नू तक दे पै ने, क्यों जी ए ईमान की बड़ी मजबूती है कि बंदा ये ईमान समझे। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, ईमान उसनू कहते ने कि बंदा अल्लाह सोने के बारे अंदर इवें यकीन कर लवे कि अल्लाह सोने नू मैं वेख रहा। अगर ये ना तेरा पैदा हो सके, तेरे तेरा जेन ना बन सके, कम अज कम यह जेन ते बना कि अल्लाह तेनू वेख रहा है। ते नबिया का तो ईमान बड़ा मजबूत होंदा, नबिया का तो यो ही जेन होंदा, यो ही उन्हों का ईमान होंदा कि रब नू वे रब रब नू असी वेखते पे।
अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरी तौर पर कहते हैं असी तो रब वाल तकिया होया है और पास नजर नहीं जे उठदिया। हाँ जी उस वेले दुश्मनी के अंदर उतर गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े वस्तबकल्बाब दरवाजे वाल दौड़े दरवाजे वाल दौड़े हजरत यूसुफ भी दौड़े ते जुलैखा भी दौड़िया। लेकिन जुलैखा ने बंद किते ने ते दरवाजे अबवाब कई दरवाजे बंद किते जदो अल्लाह ने खोलिया ते वस्तबकल्बाब इको ही दरवाजा है। अल्लाह ने फरमाया सोनिया यूसुफा तू इको वाला तेरा इको दरवाजा जुलैखा कईया वाली ओदे कई दरवाजे अलगर्ज दरवाजा खुलिया सामने वेख्या ते उस जुलैखा दा शोहर नजर आया वेखदिया ही पैंतरा बदलिया वेखो मबनी बर लज्जत जड़ी है मुहब्बत है ये फौरन बदल गई फौरन पैंतरा बदलिया ते कहंदी है वेख के अपने खामद नूं कहंदी काला मा जज़ाउ मन अरादा बिअहलिका सूअन इल्ला अन युसजना औ अज़ाबुन अलीम। कहंदी है दसो अपने शौहर नूं कहंदी है दसो उस बंदे दी सजा की होनी चाहीदी है जिहड़ा तेरे घर ते बुराई दा इरादा कर लिया जिहड़ा तेरे घर नूं ही बुरियां नजरां नाल वेखण लग गया। बस बस इस बुरे बंदे नूं बुरियां नजरां नाल वेखण वाले नूं या ते सजा होनी चाहीदी है जेल च डाल दिता जाएगा औ अज़ाबुन अलीम या सख्त सजा दी जाएगी। अलगर्द बातें दूर निकल जाएंगी तो मैं अपने वक्त से बयान करांगा ना। उन दूसरी हदीस की दलील सुन लो मरसद बिन अभी मरसद गनवी रजी अल्लाह तआला इन्होंने कलमा पढ़िया इवें जनाब का काफरां दी कैद चो निकलिया एक दिन काफरां दी कैद चला गया उतों निकलिया और जनाब दौड़िया 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 जिस जगह ते छुपिया उत्थे अचानक ओदी जहलीयत दे जमाने दे तालकात वाली अन्नाक नामी औरत मिल गई उन्हें बुराई दी दावत दिती है ते हजरत मरसद बिन अबू मरसद गनवी कहंदे ने बीबी हुण चली जा मेरियां अखां तोले हो जा असी ते अपने रब नाल ताल्लुक जोड़ लिया। अल्लाह अकबर अल्लाह। ए नफ्से मुतमिन्ना हदीस सही हदीस दे हवाले दे नाल नफ्से मुतमिन्ना दी दलील कुरान मजीद दी आयत तो बाद और फौरन फौरन जदों इतनी बात आखदे ने ये औरत कहंदी मैं शोर मचा देंगी उन्हें आख्या जो तेरा दिल करदा कर ले मेरा रब मैनू बचाने ते कुदरत रखदा है। मचा शो उन्हें वाकई शोर मचाया पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो ऐ तुहाडा कैदी चोर दौड़िया जा रहा है चोर चोर कहण दे जनाब नाल। लेकिन अल्लाह करीम ने उन्होंने महफूज फरमाया अल्लाह करीम ने मदद फरमाई है अलगर जड़ी मोहब्बत मबनी बर तमाए एदे बारे सुन लो देर नाल शुरू हुंदी है मबनी बर तमा लालच है ना मैनू किसी ना लालच मुहब्बत पैदा होंदिया टाइम लगेगा क्यों जी अंदर खालस नहीं ना यहो जहा मेरा अमल नहीं होएगा यहो जहा मेरा अंदाज नहीं होएगा मेरा मेरा बॉडी लैंग्वेज इस तरह की नहीं होएगी मेरा मेरा जनाब फेस इस तरह से दलालत नहीं करेगा। गल समझ आ जी अगर मेरी तमा है किसी लालच है ना तो मुहब्बत जल्दी कायम होंगी नहीं देर नाल कायम होंगी है तो खत्म बड़ी जल्दी हो जाती है बहुत जल्दी खत्म होती है। ते जड़ी मोहब्बत मबनी बार खलास ओ झट पट शुरू हुंदी है जल्दी शुरू हुंदी है ते खत्म हुंदी लई ओ जन्नत विच भी मोहब्बत कायम रहेगी। सुबहान अल्लाह जे मेरे नबी नू वेखण वाले ने बस वेख्या ते मोहब्बत पैदा हो गई थोड़ी देर पहले जान दे दुश्मन फिर जान दिया हिफाजत करने वाले बन गए सुबहान अल्लाह फिर जन्नत विच भी मोहब्बत कायम रहेगी। मबनी बार खलास
मोहब्बत दिया इन्हें तिना किस्म चो मोहब्बत मबनी बारे खलास करो ते फिर इंशाअल्लाह बारे न्यारे ने अल गर्द मैं दस दे रहा जे या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना ए नफ्से मुतमइन्ना सुभान अल्लाह। सूरह नहल दे अंदर अल्लाह करीम ने बहुत ही प्यारे अंदाज नाल बयान फरमाया है 32 नंबर आयत अल्लाह करीम फरमा देने के الذين تتوفاهم الملائكة ओ लोग जदो फौत किया जाता है उन्होंने फौत होंगे ने फरिश्ते उन्हों की रूह कबज करते ने तत्तवफ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन तय्यिबीन आहा फरिश्ते जदों नेक रूह नू निकाल करके ले जांदे ने फौत करदे ने कहंदे ने यकूलून सलामुन अलैकुम फरिश्ते कहंदे ने सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम फरिश्ते आख रहे ने कुम 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 जिन्हां नू सलाम कह रहे ने ए दुनिया तो जान वाले तुम नफ्से मुतमिना वाले नाल कहंदे ने सलाम दे नाल नाल कहंदे ने सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्ना सलामतियां होन तुहाडे ते दाखल हो जाओ चले जाओ जन्नत दे अंदर बिमा कुंतुम तअलमून जो तुसी अमल करदे रहे हो नेक अमल करने वालो हुण तुसी सलाम लेंदे होए फरिश्ते सलाम कह रहे होणगे इन पाक रूह मुतमिन रूह नू सलाम आख रहे होणगे निकल जाओ चल चल चले चली जा नेक रूह सलामतियां दियां दुआ वाले दी होई जन्नत च दाखल हो जा। अल कशाफ वाले ने दूसरी जिलद दी तफसीर दे अंदर इस आयत दी तफसीर अंदर कमाला ही कर छड़िया ने कहंदे ने जदों मोमिन दी रूह मोमिन जनाब मोमिन दी रूह निकलना चाहती है मोमिन दी मौत ओदे सामने आ जाती है ना जाहू मलकुन फकाल अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह आ जांदा है फरिश्ता जाहू मलकुन ओदे कोल फरिश्ता आ जांदा है फरिश्ता फकाल कहंदा कि अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह सलाम अल्लाह दे वली अल्लाह दे दोस्त तेनु सलाम सुभान अल्लाह सुभान हदीस दा वेखो कुरान दी आयत दा तर्जमा हो रहा ने दे अंदर जी सलाम होवे अलैका या वली अल्लाह अल्लाह युक्रिहु अलैका सलाम अल्लाह युक्रिहु अलैका सलाम अल्लाह तेरे ते सलाम आख रहा है सुभान अल्लाह अल्लाह सोना तेनु सलाम भेज रहा है जे मुतमिन्ना रो रूह इत्मीनान वाली निकल दिए अल्लाह दा भी सलाम आंदा है और फरिश्ता भी कहंदा अल्लाह दे वली अल्लाह दे दोस्त तेरे ते सलाम होवे नाल फरिश्ता कहंदा अल्लाहु युक्रिहु अलैका सलाम कमाल जी जी तेरे ते सलाम होवे अल्लाह दी तरफो व बशरहु बिल जन्ना व बशरहु वो जन्नत की बशारत देता है कौन कौन देता है बशारत
अल्लाह नाले सलाम कहता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह नाले सलाम कहता है, नाल जन्नत दी बशारत देंदा जे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अंदा ए या अय्यतु अन्नफ्सुल मुतमईना वाली इस आयत दे बारे दे अंदर उन्हां दा बयान बड़ा कमाल दर्जे दा। कहंदे कीने के जदो कोई मोमिन फौत हुंदा है ओदी मौत आज मौत दा वक्त आ जांदा है, अल्लाह ताला उदे बन्ने दो फरिश्ते भेज देने और जन्नत दा तोहफा भी नाल भेज देने। फरिश्ते नाल फरिश्ते आंदे ने सलाम कहण वास्ते, जन्नत दियां बशारतां देण वास्ते, यानी फरिश्ते अल्लाह करीम गलांदा है, नाल जन्नत दा तोहफा भी गलांदा है, और उन्हों के आ जांदा है या अय्यतु अन्नफ्सुल मुतमईना इर्जिउ इला रब्बिका इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। ए मुतमिन रू, निकल अपने रब वल चल, रब वल चली जा, और निकल दिए थे इस हालत के अंदर कि ओदे चो इतनी खुशबू निकल दिए, कस्तूरी दिया खुशबुआ नू ही मात कर दें दिए, कस्तूरी दी खुशबू नालो ज्यादा खुशबू, इतनी तेज खुशबू होंदी है, उस खुशबू नू वेख करके अल्लाह दे फरिश्ते आसमान दे इर्द गिर्द कहंदे ने कि जमीन तो कोई नेक ते पाक रूह आई है। अल्लाह दे फरिश्ते आसमान दे इर्द गिर्द कहंदे ने पाक रूह आई है, पाक रूह आ चुकी है, और वो जिस दरवाजे दे करीब पहुंच दिए अल्लाह हुक्म देंदा है खुशबुआ नू सुंघ के ही फरिश्ते ओ दरवाजा खोल दियो। आसमान दे दरवाजे खुल दे, आसमाना दे खुल दे जांदे ने। हा 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 हा, वेखो उत्थे खलोना नहीं पैंदा, इस नेक ते पाक रूह नू इंतजार नहीं करना पैंदा, दरवाजे नहीं खड़काने पैंदे, नेक रूह ओदियां खुशबुआं ही इतनियां प्यारियां होंदियां ने कि फरिश्ते खुशबू सूंघ के ही दरवाजे खोल दे जांदे, आसमाना दे दरवाजे खुलते जा रहे ने, और आसमाना दे दरवाजे खोल दिते जाते ने। इवें जनाब चलदियां चलदियां हाँ जी अल्लाहु अकबर जिस फरिश्ते दे कोलों दी ए रूह गुजरदी है ना, ते फरिश्ता की कहंदा है, कहंदा है नेक रूह आहलन सहलन मरहबा, नेक रूह तशरीफ ले आईए हत्ता के रहमान दे कोल आसमाना तो पार अल्लाह दे अर्श दे नीचे उते चली जाती है, ते जाके अल्लाह करीम, अल्लाह करीम फरमांदा है नेक रूह दे बारे दे अंदर मिकाइल नू हुक्म हुंदा है कि इनू आके इनू इलीशीन दे अंदर दाखल फरमा दो, मोमना दियां रूहां मिलदियां ने, इन नेक रूह सब तो पहले अरशां वाले दे रब दे कोल जाके अल्लाह दे अरश दे कोल जाके रब नू सजदा सजदा रेज हुंदी है, सजदा कर दी है नेक रूह। सुभान अल्लाह जी मेरे प्यारे वीर, अलगरद नेक रूहां दे अंदर दाखल कर दिता जांदा है ना, फिर हुक्म हुंदा है एदी कबर नू कुशादा फरमा दियो, सत्तर हाथ हाथ लंबी और सत्तर हाथ चौड़ी इतनी कबर, और आराम और सुकून नाल इन सो जाए गहरी नींद। अगर कुरान नू याद हुंदा है ते कुरान जिन्नू याद है जिदे सीने च कुरान है ओदे वास्ते ते जाल लगू नूरुम मिसल शम्स, सूरज तरे उनू रोशनी मुयसर होएगी, रोशनी कर दिती जाएगी ओदे वास्ते। जी मेरे सोने वीर, और जनाब ओ ते नेक रूह ते हुण सुती पई है मिसले दुल्हन, यानी दुल्हन दे बारे अंदर जिवें आख्या जांदा है फला युकिदुहु इल्ला अहब अहलिहि इलैहि, कोई भी ओ
ओदे खानदान विचो ओदे घर वालिया विचो ओनू नहीं जगाएगा इल्ला के सब नालों ज्यादा जड़ा ओदे नाल मुहब्बत करदा है यानी ओदा शौहर ही ओनू जगाएगा। हुण हो जांदा है ऐलान नम का नौमत अलउरूस सो जा जिवें पहली रात दी दुल्हन सो जांदी सब तो ज्यादा प्यार करने वाला तेरा अर्श वाला रहमान ही तेनू जगाएगा। सुभान अल्लाह सुभान ऐ नफ्से मुतमइन्ना है ते कुरान मजीद दे अंदर इस रूह दे बारे दे अंदर एवी ते सूरत सजदा दे अंदर आख्या गया है ना इन्नल लजीन कालू रब्बुनल्लाह थुम इस्तकामू تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم कैसियां आवाजा लगदियां ने कैसियां आवाजा लगदियां ने जनाब नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम अल्लाह दी मेजबानी दे अंदर आ गए अल्लाह तेरा मेजबान होएगा तू रब दा मेहमान बन गया है। ऐ जे नफ्से मुतमिन्ना वाली बात नफ्से मुतमिन्ना अल्लाह अकबर नसीब वालिया नू अता हुंदा है एवो जिहा नफ्से मुतमिन्ना अल्लाह करे मैनू तेनू भी नसीब हो जाए एवें तेनी अर्श वाले फरमाया फरिश्तियां दा नज़ूल हुंदा है अल्लाह अकबर अल्लाह नफ्से मुतमिन्ना ते फरिश्तियां दा नज़ूल और जड़ी रहमत है ना अल्लाह अकबर तीन जगह ते तीन मुकामात ने ना जिस वेले फरिश्तियां दा रहमत वाले फरिश्तियां दा नज़ूल हुंदा है दमे रहलत वाह वाह मौलाना अब्दुर्रहमान आजिज कमाल समेट दे सन बात जी जी इकबाल सानी दा लकब जिन्हां नूं मैं दिता है कहंदे ने दमे रहलत लहद में लहद से उठते ही आजिज समझो जरा समझो उन्हां दा कलाम समझो कितना गहरा कलाम है कहंदे ने दमे रहलत लहद में दमे रहलत लहद में और लहद से उठते ही आजिज बशारत नफ्से मुमिन के लिए है रहमत रब की अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह जी मेरे प्यारे वीर जड़ी मैं गल अर्ज करना चाहना गल जनाब नू समझाना चाहना वो गल ते बड़े ही प्यार नाल बड़े आसन दाद नाल समझ आ गई होएगी अरे बंदे वक्त अजल आने से पहले मौलाना अब्दुर्रहमान आजिज़ शायर सन उन्हों का नसर वाला कलाम भी किसी वेले शायरी जी आ जाता है हालांकि शेर नहीं गा नसर का कलाम है उन्होंने जरा किताब चलद्या चलद्या शेर तो अलावा लिखे नसर उन्होंने कहते हैं ठीक है नजम शेर वाली होंगी है। अच्छा कहते हैं अरे बंदे वक्त अजल आने से पहले अपने नफ्स को इत्मीनान वाला बना ले और नाल शेर जरा लिखते ने कहते ने बेसूद गए उस दम किसी ने की तमन्ना बेसूद बेसूद है उस दम किसी ने की तमन्ना जब नुत्क इशारे की भी कुवत नहीं रहती बोल भी नहीं सकता इशारा भी नहीं कर सकता उस वेले दी जड़ी तौबा दी या नेकी कर दी तमन्ना वो बेसूद है बेफायदा क्यों जी अजे तर्जमा कहंदे ने बेसूद है बेसूद है उस वक्त
बेसूद है उस दम किसी ने की तमन्ना, जब नुत्को इशारे की भी कुवत नहीं रहती, आजिज कहीं आ जाए न नो व आजिज कहीं आ जाए न वो वक्त अचानक, जब वक्त की तौबा की भी मोहलत नहीं रहती। अल्लाह अकबर। अल्लाह नफ्से मुतमिन्ना वाली बात सुनना चाहते हो, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तो यानी शरू सुदूर दे अंदर अल्लामा इब्ने जौदी ने कमाल दर्जे दी बात लिखी है ना, इन्नल मुमिनु तखरुजु नफ्सुहु मिन बैन जंबैही व हुवा यहमदुल्लाह। जद रूह निकलती होंगी है तो मोमिन कह रहा होंगे وَهُوَ يَحْمَدُ اللَّهُ وَاللَّهُ دِي حَمْدُ وَسَنَا بیان کر رہا ہندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا پیارا منظر۔ نفس مطمئنہ والی بات ایک اور دلیل قرآن چو سن لو، جب زلیخا نے روڑا پایا پڑھن دی کوشش کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نو، نفس مطمئنہ سینا اندر روشن سی، سینا پاک اور صاف سینا، اے اطمینان والا ایمان اطمینان والی روح سی نا، کہنے قال بعد اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ کہندے سن اللہ دی پناہ، اللہ تو ڈر گیا، اللہ دی پناہ، مینوں اللہ نے اتنا سونا رہن دا ٹھکانا عطا فرمایا، پھر بھی جڑے ظالم لوگ ایدے باوجود بھی ظلم کرن، ایڈا وڈا گناہ جنوں ظلم آکھیا گیا ہے، زنا جیسے زنا گناہ دے بارے اندر کہندے نے لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کدی فلاح نہیں پایا کر دے۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے اسے واسطے آوازاں لائیاں کہ دل اطمینان والا سی، نفس مطمئنہ سی، تے کہندے سن فوراً قال بعد اللہ، اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ۔ تے زلیخا ارادہ کر چکی سی، ولقد ہمت بہ وعم بہا لولا برہان ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیں دے، اگر اللہ دے نبی نہ ہوں دے، اللہ دے نبی نہ ہوں دے، نبوت والی دلیل، کیوں جی نبوت برہان ہے، کیوں جی اللہ نبی نو بچاندہ ہے برائیاں، سبحان اللہ، برائے راست اللہ دی بدد ہوں دیئے۔ اس وقت حضرت یوسف اے جے نفس مطمئنہ کے جنہ نے برائی دا ارادہ بھی نہیں کی، سبحان اللہ، اے جے قرآن دی ایتاں جڑیاں نفس مطمئنہ تے دلا تے نفس مطمئنہ نو اللہ کامیابیاں وی عطا فرماندا ہے۔ اللہ کریم نے پھر ویکھو جیلا جو کڈ کے تے تختاں تے بٹھا چھڑیا ہے نا، اور اللہ نے آخر تے فرمایا ایتاں لمبیاں نے ولا نضیع اجر المحسنین۔ اللہ کہندا ہے اسیں اسی طرح ہی مومنہ دے اجر ضائع نہیں کر دے، مومنہ نو اجر دینے ہاں، جنہوں چاہنے اپنی رحمتہ انہاں تے وسا دینے ہاں۔ جدو یہ تلاوت کی تھی گئی ان آیتاں دی، ان آیتاں جڑی میں خطبے چ پڑھیاں نے، جدو تلاوت کی تھی گئی ان آیات دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، پیارے محبوب جی مومنہ نو کتنا پیارا خطاب ہے، مومنان کتنا سونا خطاب فرمایا اللہ نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، میرے نبی فرما دے نے ابو بکر جدو تو دنیا تو جا رہا ہوئے گا فرشتہ آواز لگا رہا ہوئے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی
इबादी वदखुली जन्नती। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास नु दफन करने वास्ते ले जा रहे ने, कफन दे अंदर के हो जा खूबसूरत परिंदा दाखिल हो गया, पहले कदी भी नहीं वेखने अंदर आया। जदो इवें कबर अंदर उतारने दे बाद इवें साइड ते होए ने ते कबर दे कोने चो आवाज आ रही है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। सुभान अल्लाह, चल चल निकल निकल नेक रूह, अल्लाह दे बंदियां दाखल हो जा, जन्नत विच दाखल हो जा। सहाबा फरमाते ने रूमे बिलाद अंदर, बिलादे बिलादे रूम दे शहरां दे अंदर चार सहाबा गिरफ्तार हो गए। काफर बादशाह दे सामने पेश किया गया, उन्हां तीन जेड़े नवे नवे कलमा पढ़ने वाले उन्हां ओ मुर्तद हो गए। एक बंदा उन्हें दीन ते पक्का रहने का आजम किया, मुर्तद होने तो इनकार कर दिता, मैं मुर्तद नहीं होना चाहता, दीन ते जान देंगा। उन्होंने उसकी गर्दन कट्टी, गर्दन कलम करके ना, सर कलम करके करीब चलती नहर अंदर सुटी है। पहले गर्दन नीचे गई, बाद अंदर पानी तो उत्ते बुलंद हुई, अखा खोलिया, अखा खोलिया। जनाब पुछया फुलां दा की हाल है, फुलां किते, फुलां दा की हाल है। इवें दे बाद आवाज आ रही है, या अय्यतु अन्नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया फ़ादखुली फ़ी इबादी वादखुली जन्नती। अखा बंद हो गई, नाल गर्दन फिर नीचे चली गई। ए नफ्से मुतमइन्ना, सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका।